हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने कई सारे फॉर्मूले भी किए थे, क्वेश्चंस भी किए थे, तो उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट नोट है, ये वही समराइज़ किया हुआ है आर्ग्यूमेंट, कि जो आर्ग्यूमेंट होता है अगर वो माइनस पाई से पाई के बीच में हो, थीटा को क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और अगर ये माइनस पाई से पाई के बीच में हो तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, जीरो, पाई बाई टू, इसको पाई भी बोलते हैं, माइनस पाई भी बोलते हैं, और ये होता है माइनस पाई बाई टू। और ये डायग्राम कल भी किया था हमने कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होता है, ये माइनस और ये प्लस होता है, तो माइनस प्लस। ये थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है प्लस और वाई होता है माइनस, तो दिस इज़ प्लस माइनस। तो एंगल आर्ग्यूमेंट क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए। तो दोनों आर्ग्यूमेंट, बोथ आर आर्ग्यूमेंट, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। मतलब ये जो लाइन है, अगर मैं इसका एंगल देखूं, तो इसका एंगल है माइनस सिक्सटी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हम नाप रहे हैं, तो ये एंगल होगा माइनस 60। और इसका एंगल 300 डिग्री भी है, तो क्या 300 डिग्री माइनस पाई से पाई के बीच में है? नहीं है, बट माइनस 60 तो है ना माइनस पाई से पाई के बीच में। सो ये माइनस 60 जो एंगल है, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, और 300 जो है आर्ग्यूमेंट तो ये भी है, बट ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। अब देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इनके आर्ग्यूमेंट्स की। जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा, तो यहाँ पर एक्स वाल रियल पार्ट जो है, एक्स वाला पार्ट वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, x प्लस और y माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकलेगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, टेन इनवर्स क्या है ये x, सॉरी देखो, x तो है नेगेटिव, x नेगेटिव और y है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला होता है, पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होता है पाई माइनस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, तो इसी को यूज़ करेंगे। आर्ग्यूमेंट जेड इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, मोड लगा दिया, बी है अंडर रूट थ्री अपोन ए है माइनस वन, तो इसका मोड क्या होएगा, प्लस का अंडर रूट थ्री आ जाएगा मोड लेंगे जब। सो टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री क्या होता है, टेन 60 होता है अंडर रूट थ्री, तो टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, पाई बाय थ्री बच जाएगा, ठीक है। सो पाई माइनस पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री इज़ द आंसर। तो ऐसे हम सारे आर्ग्यूमेंट्स को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा, तो एक्स वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, वाई वाला पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट जेड कैसे निकलेगा, पाई माइनस टेन इनवर्स मोड बी बाई, पाई माइनस टेन इनवर्स मोड लिया इसका, सो दिस विल बी इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये टू पाई बाई थ्री आ गया, बट ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो आ गया हमारा टू पाई बाई थ्री, बट ऑप्शंस में कहीं भी टू पाई बाई थ्री है नहीं, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ना पूछ के सिंपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शन में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ना हो तो हम सिंपल आर्ग्यूमेंट भी निकालेंगे इसका। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि इसका ये कोई लाइन है और इसका आर्ग्यूमेंट यानी कि एंगल 2 पाई बाई 3 है, तो एंगल मैं इस साइड से नाप रहा हूँ, तो इसी को मैं ऑपोजिट साइड से भी तो नाप सकता हूँ ना एंगल को, तो वो भी तो एंगल ही कहलाएगा। तो इसको कैसे नापेंगे ऑपोजिट साइड से, कंप्लीट तो है ये 2 पाई, क्लियर, कंप्लीट कितना है ये 2 पाई, तो 2 पाई में से माइनस 2 पाई बाई 3 घटा दो, और उस एंगल को जब हम नेगेटिव साइड से नाप रहे हैं उसके आगे माइनस और लग जाता है, तो बस यही बात है। तो 2 पाई में से पेज पे करके दिखाते हैं,
टू पाई में से कितना घटा दो, टू पाई बाई थ्री घटा दो, टू पाई माइनस टू पाई बाई थ्री। देखो कंप्लीट है टू पाई और इतना एंगल था टू पाई बाई थ्री, तो इसमें से टू पाई में से मैं टू पाई बाई थ्री हटा दूंगा तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा ना, और उसके आगे माइनस साइन लगा देना क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एंगल नाप रहे हैं। तो टू पाई माइनस टू पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे जब, सिक्स पाई माइनस टू पाई इज इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री, तो ये माइनस का फोर पाई बाई थ्री आ जाएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर कर रहे हैं, सो माइनस फोर पाई बाई थ्री। समझ आ गया, तो इसको नापने का यही तरीका है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल टू पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में नापा जा रहा है एंगल। अगर ये एंगल माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल टू पाई माइनस थीटा, दोनों आर्ग्यूमेंट हैं, माइनस थीटा भी और टू पाई माइनस थीटा भी और माइनस ऑफ टू पाई माइनस थीटा भी, बोथ आर आर्ग्यूमेंट्स, क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा, तो दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, सो दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होता है माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड बी बाई ए, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड बी क्या हो जाएगा, बी है कितना माइनस वन और ये कितना है माइनस वन, माइनस वन माइनस वन कट जाएगा वन, और वन टेन पाई बाई फोर होता है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन कट के पाई बाई फोर आ जाएगा। सोल्व करेंगे माइनस थ्री पाई बाई फोर, सो दिस विल बी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो इसमें माइनस थ्री पाई बाई फोर है तो यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होता ये ऑप्शन में तो कैसे निकालते, तो टू पाई में से इसको घटा देते, टू पाई माइनस थ्री पाई बाई फोर, अब ये ऑलरेडी नेगेटिव डायरेक्शन में है ये वाला एंगल माइनस थ्री पाई बाई फोर, तो अब की बार अलग से माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो टू पाई माइनस थ्री पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, फाइव पाई बाई फोर, समझ गए ना। अगर ये प्लस का थ्री पाई बाई फोर होता तो जब हम टू पाई में से घटाते तो माइनस लगाने की ज़रूरत पड़ती क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में नपता एंगल, बट ये नेगेटिव वाला दे रखा नेगेटिव डायरेक्शन में नापा हुआ, तो दूसरे वाले के आगे माइनस थोड़ी आएगा क्योंकि माइनस वाला तो दे रखा है। सो ये हो जाएगा सिंपली टू पाई माइनस थ्री पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर। अब आगे देखिए क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा की पावर फोर निकालना है। अच्छा, जेड इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा की पावर फोर, जेड के इक्वल दे रखा है, पहले इसको सोल्व करो, जेड को निकालो पावर सोल्व करके, फिर उसका आर्ग्यूमेंट जेड बताओ। तो वन प्लस आयोटा का स्क्वायर हमें पता है टू आयोटा के इक्वल होता है, टू आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, माइनस फोर आ जाएगा। सो माइनस फोर प्लस जीरो आयोटा लिख सकता हूँ मैं इसको, तो ये वैल्यू है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ना। और वैसे भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो आयोटा होता है, आयोटा तो इसमें है नहीं, माइनस फोर आया है ना, तो माइनस फोर जब भी पॉजिटिव रियल नंबर आए तो उसकी आर्ग्यूमेंट जीरो होती है, और जब भी नेगेटिव रियल नंबर आए तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई, तो इसका आर्ग्यूमेंट सीधा हम पाई टिक कर सकते हैं, क्लियर। तो ये समझाया भी हुआ है, रियल एक्सिस पॉजिटिव रियल एक्सिस आर्ग्यूमेंट जीरो, नेगेटिव रियल एक्सिस आर्ग्यूमेंट पाई, मतलब कोई भी नेगेटिव रियल नंबर आ जाए आर्ग्यूमेंट पाई होगा। अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ रहा है और वो भी पॉजिटिव, जैसे फाइव आयोटा, सिक्स आयोटा, सेवन आयोटा ऐसे आ जाए तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू, और नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट आ जाए और रियल पार्ट जीरो हो तो आर्ग्यूमेंट होगा माइनस पाई बाई टू। इज इट क्लियर, माइनस पाई बाई टू। अब आगे देखते हैं, आर्ग्यूमेंट माइनस फोर आयोटा, तो नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ, रियल पार्ट जीरो है, तो इसका आंसर होगा माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू इज द आंसर। अब आगे देखिए, जेड इज इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा का स्क्वायर, और वन माइनस आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस टू आयोटा, इसको पुट किया तो वन प्लस टू आयोटा इज इट इज वन माइनस टू आयोटा, कट के वन आ गया, तो इसका आर्ग्यूमेंट पूछा, मॉडुलस क्या होगा जेड का, वन ही होगा, वन का मोड वन, और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव रियल है, पॉजिटिव रियल आर्ग्यूमेंट जीरो। नेक्स्ट, अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा कोस पाई बाई थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाई थ्री, और नीचे है वन प्लस आयोटा कोस पाई बाई सिक्स माइनस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स, इसका मोड निकालना है हमको।
तो इसका मोड मतलब सबका मोड, इसका भी मोड, इसका भी मोड, इसका भी मोड, इसका भी मोड, कंप्लीट जेड का मोड आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका मोड निकाला, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे इसका अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, और इसका कोफिशेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 ही हो जाएगा, ये तो नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सो ये आ गया 4 का अंडर रूट 2, और ये नीचे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 इज द आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस देखिए कितनी आसान है ये भी। तो जो एक बार बेसिक अच्छे से बन जाता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, तो एक बार बेस अच्छे से बनाना ज़रूरी होता है। अब देखना कितना मज़ा आएगा सारा आगे करने में। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, तो मोड जेड किसके इक्वल होता है ये बात हम कर चुके थे, जेड का मोड किसके बराबर होता है, जेड के कंजुगेट के मोड के। जेड का मोड जेड के कंजुगेट के मोड के इक्वल होता है। जेड की पावर एन का मोड किसके बराबर होता है, जेड की मोड की पावर ऑल पावर एन, मतलब इस पावर को बाहर भी लगा सकते हैं हम, वो एक ही बात है। जेड की पावर एन का मोड करो या फिर जेड का मोड करके उसकी पावर एन करो, एक ही बात होती है। जेड वन डॉट जेड टू का मोड, दिस विल बी इजिकल टू जेड वन का मोड डॉट जेड टू का मोड। जेड वन बाई जेड टू का मोड इजिकल टू जेड वन का मोड अपॉन जेड टू का मोड। अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा की पावर फाइव का मोड क्या होएगा, अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा की पावर फाइव। तो पहले इसका मोड करके फिर उसकी पावर फाइव लो, तो पहले इसका मोड किया फिर उसकी पावर फाइव लो, तो इसका मोड हो जाएगा 3 + 1 का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और इसकी होल पावर फाइव। तो यहाँ से आ जाएगा 2, 4 का अंडर रूट 2, 2 की पावर 5, 32। नेक्स्ट देखो, इसका मोड निकालना है कंप्लीट का, तो इन दोनों का अलग अलग मोड हम निकाल सकते हैं। तो जब हम इसका मोड लेंगे, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा और कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का अलग अलग मोड लिया, तो इसका मोड हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा में अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 × 1, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जेड वन का मोड इज इक्वल टू जेड टू का मोड इज इक्वल टू जेड थ्री का मोड इज इक्वल टू मोड 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3, सब का मोड इनका 1 हो, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, मोड Z1 + Z2 + Z3 इनके सम के मोड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो इसको करने से पहले इस क्वेश्चन को एक नोट पढ़ना पड़ेगा हमें, जेड का मोड जेड के कंजुगेट के मोड के इक्वल होता है और जेड वन प्लस जेड टू का कंजुगेट अलग अलग हो जाता है। जेड का कंजुगेट प्लस जेड टू का कंजुगेट, जेड वन का कंजुगेट प्लस जेड टू का कंजुगेट अलग अलग हो जाता है। तो अगर अलग अलग को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर अलग अलग हो तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो जेड वन के कंजुगेट, जेड वन का कंजुगेट प्लस जेड टू के कंजुगेट का मोड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जेड वन प्लस जेड टू का होल कंजुगेट का मोड। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसका होल कंजुगेट का मोड लो या फिर सिंपल जेड वन प्लस जेड टू का मोड लो, एक ही बात होती है। सो दिस विल बी इक्वल टू जेड वन प्लस जेड टू का मोड। और हमें पता है मोड जेड वन 1 है, जेड का कंजुगेट 1 दे रखा है नहीं ये नोट का ही पार्ट है सॉरी, अगर जेड का मोड मॉडुलस 1 हो तो उसका इन्वर्स उसके कंजुगेट के बराबर होता है, मतलब जेड इन्वर्स इज इक्वल टू जेड कंजुगेट, और 1 + Z / 1 + Z कंजुगेट जेड के इक्वल आता है, ये हम पीछे करके आ चुके हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का जो हम अभी देख रहे थे, जहाँ पे हमें गिवन था जेड वन का मोड इज इक्वल टू जेड टू का मोड इज इक्वल टू जेड थ्री का मोड इज इक्वल टू मोड 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 इज इक्वल टू 1, ये गिवन था। तो अगर इनका जेड वन जेड टू जेड थ्री का मोड 1 है तो इसका इन्वर्स इनके कंजुगेट के बराबर होगा, जेड वन का इन्वर्स इज इक्वल टू जेड वन का कंजुगेट, जेड टू का कंजुगेट इज इक्वल टू जेड टू का इन्वर्स, जेड थ्री का कंजुगेट इज इक्वल टू जेड थ्री का इन्वर्स होगा ना। तो 1/Z1 क्या है, जेड का इन्वर्स ही तो है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड वन का कंजुगेट, क्योंकि जेड इन्वर्स जेड के कंजुगेट के बराबर है, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/Z2 है यानी कि जेड टू इन्वर्स है, तो इसको लिख सकता हूँ जेड टू का कंजुगेट,
इसको लिख सकता हूँ Z3 का कंजुगेट, इसका होल मोड 1 के बराबर है। तो ये बताया था ये कंजुगेट अलग अलग है, इसको हम कंबाइंड लिख सकते हैं, तो कंबाइंड लिखेंगे या फिर इसको कंबाइंड लिख करके इसका कंजुगेट को मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कंजुगेट इसका मोड लो, या फिर उसको कंजुगेट को हटा के उसका मोड लो, तो दोनों केसेस में 1 आएगा। सो मोड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट देखिए, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2। अब की बार 2 गिवन है, फाइंड Z1 प्लस Z2 का मोड। तो कैसे करेंगे इसको, इसका एलसीएम ले लिया पहले, Z1 Z2, अब की बार 1 गिवन नहीं है जो हम ऊपर वाले की तरह वो लगा दें, अब की बार 2 गिवन है, तो इसका एलसीएम लो Z1 Z2, ऊपर क्या आ जाएगा Z2 प्लस Z1, इसका होल मोड 2 दे रखा है, तो मोड को अलग अलग कर दिया नीचे, और न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, और डिनोमिनेटर में भी अलग अलग कर दिया मोड, Z2 प्लस Z1 का मोड अपॉन Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड इज इक्वल टू 2। अब नीचे देखिए, Z2 प्लस Z1, और Z1 का मोड कितना था 2, और Z2 का भी 2 था, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, और इस 4 को ऊपर ले जाएंगे, 4 2 जा 8, तो Z1 प्लस Z2 का मोड कितना आ गया 8, यही तो निकालना था। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम वैसे ही हैं जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर एन क्या होगा, एन इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। क्वेश्चन है नेक्स्ट, जेड इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालो। तो पहले इसको सॉल्व करो, जेड की सिंपल वैल्यू लेके आओ, फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो हमें आर्ग्यूमेंट लेना है इसका, आर्ग्यूमेंट जेड का, तो इसको लिख लिया। अब आगे देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ अभी करवाया है Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो सेम इसको भी ऐसे ही किया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 प्लस आयोटा, बीच में आएगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। अब इसका आर्ग्यूमेंट अलग निकाल दो, इसका आर्ग्यूमेंट अलग निकाल दो, ये क्या हो जाएगा, ये अब सिंपल करने की कोशिश करो, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, ये क्वाड्रेंट है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या लगता है, पाई माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए। तो देखो, पाई माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए क्या बनेगा, 1/√3, और 1/√3 होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो π - π/6 5π/6, π - π/6, और ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपल निकालो, टेन इनवर्स b बाय उसका नेगेटिव कर दो, तो टेन इनवर्स मोड b बाय ए करेंगे जब π/4 आएगा, और इसका नेगेटिव कर देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, और बीच में माइनस था। अब इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आया, 13π/12 आंसर आया, 13π/12, और पॉजिटिव आया है, ठीक। तो 13π/12 हमारे ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है, तो हमको दूसरा एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो 2π में से घटा देंगे, और पॉजिटिव एंगल तो आया ही हुआ, नेगेटिव एंगल निकालना था, तो बाहर माइनस लग जाएगा, 2π - 13π/12 और बाहर माइनस का, सो -11π/12 आंसर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अपॉन cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, आर्ग्यूमेंट जेड निकालना है, तो ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट अलग, नीचे वाले का अलग, आर्ग्यूमेंट -1 प्लस आयोटा, ये जेड क्यों लगाया है, ये नहीं आएगा, माइनस आर्ग्यूमेंट cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो इसका आर्ग्यूमेंट अब जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करनी है, लिखना नहीं है सब कुछ बार बार, तो सिंपल लिखो, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बाय ए जब करेंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा पहली बात, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए होता है, तो 1 आएगा ना, 1/-1 का मोड 1 आएगा, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस टेन इनवर्स बोथ पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, बी है साइन π/3 अपॉन cos π/3 10π/3,
10 से 10 कट जाएगा, पाई बाई 3 बचेगा, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 सॉल्व किया 5 पाई बाई 12, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जेड वन का मोड इज इक्वल टू जेड टू का मोड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू पाई दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, जेड वन क्या होगा ये निकालना है। तो देखो, तो हमने मान लिया जेड वन ए प्लस आयोटा बी और जेड टू को मान लिया सी प्लस आयोटा डी, यहाँ तक क्लियर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन निकालो प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, पाई के इक्वल दे रखा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू पाई के इक्वल, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स मोड बी बाई ए प्लस टेन इनवर्स मोड डी बाई सी इसके हिसाब से, और ये पाई के इक्वल दे रखा था तो पाई। अब टेन इनवर्स बी बाई ए किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स डी बाई सी के। क्या किया आगे, दोनों तरफ टेन ले दिया, तो दोनों तरफ टेन लेंगे तो टेन इनवर्स से टेन कट के बी बाई ए आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टेन पाई माइनस टेन इनवर्स डी बाई सी, पाई माइनस टेन इनवर्स डी बाई सी। सो बी बाई ए टेन इनवर्स पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स पाई माइनस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ ऑल स्कूल टू कॉलेज होता है, साइन साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टू टेन कोट पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉलेज कोसेक सेक पॉजिटिव, क्लियर है। तो टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो पाई माइनस थीटा तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस टेन थीटा, तो टेन से टेन कट के माइनस डी बाई सी आ जाएगा, अभी समझ आ गया। बट यहाँ देखो, ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये देखो, ये चीज़ जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में थी, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये पॉजिटिव सॉरी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन ये वाला जो साइन है बी, बी साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो ऊपर चलो, यहाँ पर जो ए प्लस आयोटा बी है, अगर मेरा ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो ये वाली चीज़ होगी नेगेटिव और ये वाली चीज़ होगी पॉजिटिव, तो इसलिए ये डी वाला जो साइन है ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं। और नीचे जो ए है उसका साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इससे क्या आया, पाई माइनस टेन इनवर्स डी बाई सी पाई माइनस थीटा, अभी बताया पाई में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ये साइन बनेंगे, जो ये नीचे हैं इसके, जो माइनस डी बाई सी आया था ना उसके साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज हो गए, प्लस डी और नीचे माइनस सी आएगा। तो देखो इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ओवरऑल तो नेगेटिव ही रहा डी बाई सी, इसको हम ऊपर लें या माइनस नीचे लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट ये क्लियर हो गया कि डी पॉजिटिव है सी नेगेटिव है, ओवरऑल तो नेगेटिव ये भी है और ये भी है। तो ये बात समझ में आई कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट कैसे हुआ, क्योंकि पाई माइनस थीटा है, पाई में से कुछ घटाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। और ये बी बाई ए टेन पाई माइनस, दोनों तरफ टेन लिया था तो बी बाई इसके इक्वल आ गया था, तो टेन पाई माइनस थीटा, टेन टेन पाई माइनस टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन पाई माइनस टेन थीटा तो नेगेटिव होगा, माइनस टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। थीटा क्या है यहाँ पर, टेन इनवर्स डी बाई सी, करके दिखाऊँ क्या, देखो ऐसे हो जाएगा, टेन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के, और थीटा यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स डी बाई सी, तो यहाँ से टेन टेन इनवर्स कट जाएगा, माइनस डी बाई सी बचेगा। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई वैल्यू वाली वैल्यू पॉजिटिव, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, ठीक है। तो बी बी पॉजिटिव और ये नीचे ए नेगेटिव, तो यहाँ पर बी डी पॉजिटिव होना चाहिए और सी नेगेटिव होना चाहिए, तो प्लस डी अपॉन माइनस सी कर दिया, क्लियर है।
तो बी की वैल्यू डी के कंपेयर किए, बी डी के बराबर, ए माइनस सी के बराबर। तो यहाँ पर जेड वन ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल आ गया, माइनस सी प्लस आयोटा डी के, यही लेके चले थे ना हम जेड वन। तो बी डी के बराबर आ गया, तो बी की वैल्यू डी के बराबर पुट कर दी, ए माइनस सी के बराबर माइनस सी। तो जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू माइनस सी प्लस आयोटा डी। तो अब हमारे ऑप्शन क्या थे, जेड वन और जेड टू इक्वल नहीं है, जेड वन और जेड टू इक्वल नहीं है, नहीं ये नहीं, ये ऑप्शन थे, ए ऑप्शन था जेड टू और बी ऑप्शन था माइनस जेड टू, सी ऑप्शन था जेड टू बार और डी ऑप्शन था माइनस जेड टू बार, क्लियर। तो अब देखो, अब जेड वन जेड टू बराबर तो है नहीं, सो जेड टू जेड वन क्या पूछा था इसने, जेड वन किसके इक्वल होगा ये पूछा था ना, तो क्या जेड वन जेड टू के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो जेड वन है ये और जेड टू है ये, तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, है ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना कि इसके, जेड वन इसके इक्वल है ना कि इसके, तो जेड वन जेड टू आर नॉट इक्वल। क्या जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल है, माइनस जेड टू करके देख लेते हैं, तो माइनस में तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, बट ये तो एक माइनस है एक प्लस है, तो इसके भी इक्वल नहीं है। क्या जेड टू के कंजुगेट के इक्वल है, तो जेड टू का कंजुगेट क्या हो जाएगा, सी माइनस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी के इक्वल नहीं है, माइनस सी प्लस आयोटा डी के इक्वल है, तो जेड टू के कंजुगेट के नेगेटिव के इक्वल आएगा ये, माइनस सी प्लस आयोटा डी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, समझ आ गया, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन था ये, बस इसमें ये वाली ही चीज़ समझने की थी, जो ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट था, तो इसी के हिसाब से ये साइन चेंज होंगे, तो ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि डी ट्रिप्लस बी में कई बार अच्छा लेवल भी पूछ लेता है, बट आपको ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन करना है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसको क्वेश्चन छोड़ने आते होंगे, सही क्वेश्चन का चुनाव करके उसको स्किप कर देना और अपना टाइम बचा लेना और इजी वाले क्वेश्चंस को फटाफट कर देना, यही स्ट्रेटजी होती है एग्ज़ाम क्रैक करने की, तो इसको ध्यान जरूर रखना। अब अगला नोट देखिए, नोट में वही लिखे जाते हैं, कई बार तो कोई नया पॉइंट आ जाए वो, और कई बार पिछले को रिकॉल करने के लिए। देखो जैसे अगर जेड ए प्लस आयोटा बी है, तो जेड बार क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, जेड डॉट जेड बार क्या होगा, मोड जेड का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, जेड कंजुगेट किसके बराबर होगा, ए माइनस आयोटा बी के, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जीरो के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि देखो जेड क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी, ये एंगल होगा कोई, ये एंगल होगा ना ए कोमा बी होगा ये, और इसका आर्ग्यूमेंट होगा टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, ठीक है, और जेड कंजुगेट क्या होगा, ए कोमा माइनस बी, इसके जस्ट नीचे होगा ए कोमा माइनस बी, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, माइनस थीटा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होगा, बस ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इस पे माइनस लग जाएगा, ठीक, तो टेन इनवर्स बी बाय ए, और नीचे वाला एंगल होगा माइनस टेन इनवर्स बी बाय ए, और इन दोनों का जोड़ क्या होगा ये पूछा गया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, तो यही याद रखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट जीरो के बराबर होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डॉट जेड बार, जेड डॉट जेड बार किसके इक्वल होगा, मोड जेड के स्क्वायर के, ये हमेशा रियल होगा और पॉजिटिव रियल होगा, और पॉजिटिव रियल का आर्ग्यूमेंट हमेशा जीरो होता है। अब आगे देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड का कंजुगेट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड का कंजुगेट, खाली जेड का कंजुगेट तो होता है जीरो और माइनस जेड का कंजुगेट होता है पाई, ठीक है, समझ आ गया ना। अब आगे देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड डॉट जेड बार, माइनस जेड डॉट जेड बार क्या होगा, माइनस ऑफ मोड जेड का स्क्वायर, तो नेगेटिव रियल नंबर आएगा, नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होता है पाई, सो पाई आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। जैसे आर्ग्यूमेंट माइनस पाँच का कितना होगा, पाई होगा, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर है। आर्ग्यूमेंट माइनस सात का कितना होगा, पाई होगा, नेगेटिव रियल नंबर है, तो वही चीज़ है। इज इट क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट को समराइज करके नोट बना के यहाँ लिख दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का कंजुगेट जीरो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड का कंजुगेट पाई,
अब इसी पे एक क्वेश्चन है, इफ़ जेड वन का मोड इज इक्वल टू जेड टू का मोड एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू इज इक्वल टू पाई है, तो पाई है का क्या मतलब है? पाई का मतलब है कि ये जो जेड टू होगा वो किसके बराबर होगा, इसके नेगेटिव कंजुगेट के बराबर होगा। इस पॉइंट से देखो पाई कब होगा, जब ये वाली चीज़ इसके नेगेटिव के कंजुगेट के बराबर हो, माइनस जेड बार के बराबर हो। सो जेड टू विल बी इज इक्वल टू माइनस जेड वन बार, तो यही आंसर है, जेड टू विल बी इज इक्वल टू माइनस जेड वन बार, या बोलो जेड वन इज इक्वल टू माइनस जेड टू बार, एक ही बात है वो। सो दिस विल बी इज इक्वल टू माइनस जेड टू बार, डी इज द आंसर। और नोट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू अगर जीरो है तो जेड टू और जेड वन किसके इक्वल होगा, जेड टू बार के। अगर ये पाई के इक्वल दिया हुआ है तो जेड वन किसके इक्वल होगा, नेगेटिव जेड टू बार के इक्वल होगा। मतलब यही बात है, इसी बात से निकला हुआ है ये पॉइंट भी। अगर दोनों बराबर हैं तो जेड वन जेड टू बार के इक्वल होगा, अगर ये पाई के बराबर हैं तो जेड वन नेगेटिव जेड टू बार के इक्वल होगा। समझ आ गया? तो इन पॉइंट्स का हम भरपूर यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, याद करने हैं ये। तो एक बार जब अपने हाथ से करोगे, खुद कर करके देखोगे, तभी याद होगे ये बार बार। और किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, सब चीज़ करनी है। तो नेक्स्ट हमारा होगा पोलर फॉर्म, फिर डी मोवियर्स, सारी चीज़ों को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो पोलर फॉर्म हम नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, वैसे तो नहीं, यहाँ तक कर ही लेते हैं इसको, 5 मिनट और लगेंगे बस। पोलर फॉर्म देखिए, अब पोलर फॉर्म क्या है मेरा, ये जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आयोटा बी, तो ए प्लस आयोटा बी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम डायग्राम में, देखो तो ए कोमा बी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये होगा मोड जेड और इसका एंगल होगा थीटा, थीटा होगा आर्ग्यूमेंट, और ये डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस होगी बी, क्लियर। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूस, यानी कि बी बाय मोड जेड, और कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटन्यूस ए बाय मोड जेड। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोड जेड साइन थीटा, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मोड जेड कोस थीटा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी मोड जेड कोस थीटा, और बी की वैल्यू आ जाएगी मोड जेड साइन थीटा। मोड जेड को जब मैं कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा, मोड जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्लियर। सो ये पोलर फॉर्म आ गई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जेड इज इक्वल टू मोड जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कैसे यूज़ होगी वो भी हम देखेंगे, और क्वेश्चंस में इसका यूज़ करके भी दिखाएंगे। तो जो एक्स वाला पार्ट है, यानी कि जो ए है, वो होगा मोड जेड कोस थीटा, और जो वाई वाला पार्ट है बी, वो होगा मोड जेड साइन थीटा। अब आगे देखिए, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस आयोटा। तो इसका आर्ग्यूमेंट अलग अलग कर सकते हैं हम, ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन इनवर्स सिंपल मोड बी बाय ए, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री पाई बाय सिक्स हो जाएगा। और ये आर्ग्यूमेंट अंडर रूट थ्री माइनस आयोटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो इसमें तो सिंपल नेगेटिव बनेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो के ट्वाइस बन जाएगा ये, तो टू इंटू पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री इज़ द आंसर। इसी का मेथड नंबर टू है जो हमने फॉर्मूला किया हुआ है, उससे आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका, और ये आयोटा की पावर टू बाई थ्री के इक्वल होता है, तो आयोटा की पावर टू बाई थ्री आर्ग्यूमेंट लॉग की तरह काम करता है, तो ये पावर आगे आ जाएगी टू बाई थ्री, और आयोटा का आर्ग्यूमेंट हमें पता ही है पाई बाई टू, टू बाई थ्री इंटू पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल, पाई बाई थ्री इज़ द आंसर। नेक्स्ट वन इज जेड इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा, कन्वर्ट इंटू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले मोड जेड निकालना पड़ेगा, मोड जेड कितना होगा, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर वन, और यहाँ से माइनस वन का स्क्वायर वन, अंडर रूट टू, तो सब के में अंडर रूट टू है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो पहले इसका एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना ये, एक्स बी नेगेटिव और वाई बी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, आगे देखते हैं सॉल्व किया हुआ होगा, तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मोड बी बाय ए, वो तो वन ही आएगा क्योंकि
माइनस वन अपॉन माइनस वन वन ही आएगा ना, वो वन होता है टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर। तो यहाँ से हो गया कोस माइनस पाई प्लस पाई बाय फोर, कोस थीटा, थीटा क्या आ गया माइनस पाई प्लस पाई बाय फोर आ गया ना, तो मोड जेड अंडर रूट टू बार कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कोस माइनस पाई प्लस पाई बाय फोर प्लस आयोटा साइन माइनस पाई पाई प्लस पाई बाय फोर, जो कि माइनस थ्री पाई बाय फोर होगा। तो ये भी आ गया कोस थ्री पाई बाय फोर, और साइन नेगेटिव बाहर आ जाता है नेगेटिव, माइनस आयोटा साइन थ्री पाई बाय फोर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड जेड इज इक्वल टू टू रूट टू है और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस पाई बाय फोर दिया हुआ है, तो जेड स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो क्या किया हमने, पहले पोलर फॉर्म में लिख लिया इसको, जेड इज इक्वल टू मोड जेड कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, येस और नो। तो मोड जेड की वैल्यू गिवन है टू रूट टू पुट कर दी, एंगल गिवन है कितना माइनस पाई बाय फोर पुट कर दिया, कोस माइनस को खा जाता है तो ये सिंपल पाई बाय फोर आ जाएगा, और साइन माइनस को बाहर फेंक देता है तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाय फोर। कोस पाई बाय फोर की वैल्यू वन बाय रूट टू, साइन पाई बाय फोर की वैल्यू वन बाय रूट टू, ऊपर आयोटा ऐसे एज इट इज़ रख लिया, इसको अंदर गुणा किया तो क्या आ जाएगा, रूट टू से रूट टू कैंसिल टू, या फिर अंडर रूट टू नीचे से कॉमन बाहर ले लो कट जाएगा, टू इंटू वन माइनस आयोटा, टू इंटू वन माइनस आयोटा, टू इंटू वन माइनस आयोटा ऑप्शन में ही नहीं है, या फिर टू माइनस टू आयोटा, यस डी डी ऑप्शन इज करेक्ट। बट डी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको जेड की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ये जेड निकल के आया है तो अब इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो दो का स्क्वायर चार और वन माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस टू आयोटा होता है, तो चार गुणा में माइनस दो आयोटा माइनस आठ आयोटा आंसर होगा, सी आंसर इज करेक्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो देख लो अब आप खुद ही कितनी मेहनत लगती है क्लास को पूरा करने में, तो आप खुद कर रहे होगे तो सिर्फ वीडियो को सुन रहे होगे, लेकिन हम यहाँ पर बोल बोल के एक एक चीज़ को समझा समझा के करवा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। सो दिस वॉज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।